बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन व्हेनेवर सेंट्रल बैंक क्रिएट्स अ रिजर्व थ्रू ओएमओ देन इट इज मल्टीप्लाइड इन द बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनल चेंज इन डिपॉजिट इज इन मल्टीपल ऑफ दैट इनिशियल इंक्रीज इन रिजर्व उससे कहीं ज्यादा होता है और हमारी एग्जांपल में व्हेन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो वाज 10% देन दिस इंक्रीज वाज

अब हम वो रिलैक्स करते हैं और हम देखते हैं कि अगर वो एजम्पन हम ना लेते तो कितना मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन कम हो जाता तो हमारा अभी तक का जो डिस्कशन है उससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई सेंट्रल बैंक का तो बड़ा परफेक्ट कंट्रोल है मॉनेटरी बेस के ऊपर या इवन पूरी मनी सप्लाई के ऊपर क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेप था ओ एम ओ वो सेंट्रल बैंक ने इनिशिएट किया वन बिलियन रुपीज का रिजर्व क्रिएट किया थ्रू ओपन मार्केट परचेज और उसके बाद उस वन बिलियन रिजर्व पे जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुए वो टेन बिलियन रुपीज के हुए और वो किस चीज पे डिपेंड करता था रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो पे और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कौन सेट करता है वो भी सेंट्रल बैंक इसका मतलब ये है कि ओएमओ से मॉनेटरी बेस चेंज की सेंट्रल बैंक ने और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी सेट की सेंट्रल बैंक ने तो जो मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन हुई वो भी सेंट्रल बैंक के इशारे पे हुई तो ऐसा लग रहा है हमारे सिंपल मॉडल से कि मॉनेटरी हो, 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 ये तो सब सेंट्रल बैंक के परफेक्ट कंट्रोल में होते हैं रियलिटी ऐसी नहीं बल्कि ऐसा सारा कुछ हमें इसलिए नजर आ रहा है कि हमारी मॉडल के अंदर अजम्पन ऐसी मसलन हमने एक अजम्पन ली हुई है कि सारे के सारी पेमेंट चेक के थ्रू होती है। अगर ऐसा ना हो दूसरा हमने ली हुई है कि कोई बैंक एक्सेस रिजर्व होल्ड ही नहीं करना चाहता अगर ऐसा ना हो तो बैंक करना चाहे तो हम इस तरह के सिनेरियोस डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन उसी लेवल की होती है जैसे पिछली एग्जांपल में थी या उससे कम हो जाता तो हम पहला जो अल्टरनेटिव सिनेरियो डिस्कस करते हैं वो याद रखें ये फोर्थ लेक्चर सीक्वेंस में आ रहा है जिसमें एग्जाम्पल ए की चल रही है तो एग्जाम्पल वो ही याद रखिएगा कि वो वन बिलियन का रिजर्व क्रिएट हुआ था जो बैंक ए के अकाउंट में आया था बैंक ए ने उसको कस्टमर को लोन दे दिया था उसका डिपॉजिट क्रिएट करके वन बिलियन का जो कि उसके कस्टमर ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर ली तो वहां से उसका डिपॉजिट विद्रॉ हो गया यानी कि वो शिफ्ट हो गया बैंक बी में और फिर सो ऑन आगे चलता था। अब हम अल्टरनेट सिनेरियो में यह कहते हैं कि जो बैंक बी था वहां तक तो वैसा ही सब चला जो हम पहले एग्जाम्पल में लिए लिये और बैंक बी ने भी वही काम किया कि जो वन बिलियन का एक्स्ट्रा डिपॉजिट क्रिएट हुआ उसके रिक्वायर्ड रिजर्व्स जो पॉइंट वन बिलियन के थे वो तो सेंट्रल बैंक के पास चले गए और जो रिमेनिंग बिलियन रुपीज था वो बैंक बी ने उसी तरह लैंड कर दिया जैसे हमारी पिछली एग्जाम्पल में लेकिन इससे आगे हम सिनेरियो को चेंज करें। और हम यह चेंज करते हैं कि जिस कस्टमर ने अब लोन लिया है पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज का बजाय इसके कि वो अब उसको डिपॉजिट रखता और चेक के जरिए आगे कोई और चीज परचेज करता सो दैट कि वो पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज इस बैंक से निकल भी जाता तो किसी और बैंक में जाके एंटर हो जाता उसने क्या किया उसने पॉइंट नाइन बिलियन की करेंसी ही निकाल ली अब जो ही उसने करेंसी निकाली तो एक्सेस रिजर्व्स तो खत्म हो गए रिजर्व्स जो थे वो करेंसी में कन्वर्ट हो गए तो बैंक्स के पास तो कोई एक्सेस रिजर्व्स नहीं बचे वो तो करेंसी हो गई उस बंदे के पास जिसने लोन लिया था तो करेंसी के बाद चूंकि बैंक के एक्सेस रिजर्व खत्म हो गए तो वो जो बी के बाद बैंक सी डी ई एफ जी आना था उन सब का रोल ही खत्म हो गया मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन में क्यों इस कस्टमर ने कैश विद्रॉ कर तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक की टोटल मनी सप्लाई है वो सिर्फ इंक्रीज होगी 1.9 बिलियन रुपीज से यानी कि टोटल डिपॉजिट इंक्रीज हुए बिलियन रुपीज से इससे ज्यादा की डिपॉजिट नहीं क्रिएट हो सकते कि 1 बिलियन वो जो इनिशियल रिजर्व में आया था पॉइंट नाइन बिलियन आगे जो लोन एक्सटेंड हुआ वो लोन आगे से करेंसी में कन्वर्ट हो गया तो टोटल मनी में पॉइंट नाइन बिलियन का में चेंज आया, आया तो इसका मतलब है नेट मनी सप्लाई में इंक्रीज वन पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज किया। इससे ये भी रिजल्ट निकलता है कि जो करेंसी होती है देखे ना मॉनिटरी बेस के दो पार्ट्स हैं करेंसी और रिजर्व तो करेंसी जो है वो मल्टीपल डिपॉजिट नहीं क्रिएट कर सकती क्यों वो बैंक के अंदर है ही नहीं करेंसी इन सर्कुलेशन उसको कहते मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन के किसी स्टेप पे भी अगर जाके करेंसी विद्रॉ हो जाती है रिजर्व करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है तो मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन का प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाता तो अब हम एक और अल्टरनेटिव कंसीडर और इसमें भी हम बैंक बी तक वैसे ही चलेंगे इसका मतलब है, बैंक बी के है लेकिन उसके बाद क्या होता है उसके बाद ये होता है कि बैंक बी जो है वो ये डिसाइड करता है कि ये जो मेरे नाइन बिलियन रुपीज के एक्सेस रिजर्व्स आए हैं बजाय इसके कि मैं इसको लेंड करूं मैं इसको एज एक्सेस रिजर्व ही होल्ड कर ले बस उसने एक्सेस रिजर्व होल्ड किए तो लेंडिंग खत्म जब लेंडिंग खत्म तो जो बैंक सी आगे सीक्वेंस में आता है उसमें तो अमाउंट जाएगी ही नहीं ये वाली जब नहीं जाएगी तो सी को डिपॉजिट नहीं क्रिएट कर पाएगा डी नहीं कर पाएगा ई e नहीं पाएगा कर पाएगा तो सारे का सारा प्रोसेस बैंक बी पे ही जाके रुक गया नो फर्दर डिपॉजिट क्रिएशन

तो डिपॉजिट क्रिएशन चेंज हो जाएगी लोग करेंसी विदड्रॉ कर लें बैंक से तो डिपॉजिट क्रिएशन चेंज हो जाएगी और अगर ये दोनों काम ना हो तो फिर डिपॉजिट क्रिएशन किसी और लेवल की होगी इसका मतलब ये है कि अब अगर हम कंक्लूड करें तो हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि मनी सप्लाई किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं होती अभी हमने देख लिया कि अगर करेंसी विदड्रॉ हो जाए तो डिपॉजिट क्रिएशन कम हो जाती है ये डिसीजन किसका है करेंसी वाला पब्लिक का हमने ये देखा कि बैंक बी ने एक्सेस रिजर्व होल्ड कर लिए लेंडिंग नहीं की तो सारा प्रोसेस रुक गया तो मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन नहीं हुई ये डिसीजन किसका था कमर्शियल बैंक बी का इसमें ना सेंट्रल बैंक का रोल है ना पब्लिक का और जो पहला वन बिलियन का रिजर्व क्रिएट किया था ओ एमओ के थ्रू वो किसका डिसीजन था सेंट्रल बैंक का रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो टेन परसेंट रखी हुई है किसने सेंट्रल बैंक ने इसका मतलब है जो फाइनल टोटल मनी क्रिएट होगी उसमें सेंट्रल बैंक का डिसीजन भी शामिल है उसमें कमर्शियल बैंक्स का डिसीजन भी शामिल है उसमें जनरल पब्लिक का डिसीजन भी शामिल है जनरल पब्लिक का डिसीजन करेंसी के डिसीजन के थ्रू है कि कितनी करेंसी रखनी है कमर्शियल बैंक का डिसीजन एक्सेस रिजर्व के डिसीजन के थ्रू है और सेंट्रल बैंक का डिसीजन रिजर्व क्रिएट करने और रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो सेट करने के चैनल से आता है थैंक यू